प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला और वही परमेश्वर हमें आगे भी संभालेगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो देखी। एक राजा था, उसके पास धन दौलत सब कुछ था। उसके मंत्री व्यक्ति को लेकर आते हैं, वो व्यक्ति कहता था कि राजा भी आम है। वो उसके सामने सजदा नहीं करता था। उस राजा ने उसे दिखाया कि देख, मैंने अपने हाथ में सोने का कड़ा पहना हुआ है। और वे व्यक्ति कहता है कि इस धन को बेचकर, इस कड़े को बेचकर क्या तुम एक कलाई को नवा बना सकते हो? सही बात है कि आप नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और इंसान की रचना परमेश्वर ने की है, वही परमेश्वर हमें संभालता है। फिर वो राजा एक सोने के गिलास में उसके सामने पानी पीता है, बोलता है कि जिसकी सबको तलाश है वो मेरे पास है। फिर वह व्यक्ति ने कहा, बात गिलास की नहीं, पानी की कहानी है। पानी आप भी पीते हो तो पानी मैं भी पीता हूं और आपके जैसा जीता हूं। वो कहता है वे व्यक्ति, तुम सब धन दौलत को बेचकर एक व्यक्ति बनाओ तो मैं मानू, आप नहीं बना सकते। जो हमने बनाया वह सस्ता है। ये जो धन दौलत है ना, ये नाशवान है। अच्छी बात है अगर खुदा हमें ब्लेस करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मकसद धन दौलत नहीं। हमारा मकसद परमेश्वर के राज्य को जीतना है, उसके राज्य को लाना, स्वर्ग में वो मुकुट को हासिल करना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। परमेश्वर ने हमें जिस भी हालात में रखा है ना, इस दुनिया में, इस धरती पे, जिस भी सिचुएशन में रखा है ना, बेस्ट है। वो हमें दिन भर की रोटी देता है। खुदावंत का शुक्र करो उसकी सब भलाइयों के लिए, उसकी सब छोटी छोटी आशीषों के लिए, हर एक चीज के लिए खुदावंत का धन्यवाद करो। इन सांसों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हम इस दुनिया में जीवित हैं। और जिस दिन तक हम जीवित हैं ना, जब तक सांस है हमारे, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उसके राहों पर चलते रहो। हम ये नहीं देखना कि वो व्यक्ति के पास कितना कुछ है। हमने खुश होना है कि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हम ब्लेस हैं कि परमेश्वर ने हमें इस भीड़ से चुन भी लिया है। खुदावंत का थैंक्स करो, वो महान परमेश्वर है। थैंक यू फादर जीसस, धन्यवाद यीशु।